नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए तीर्थधामों व उनकी यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आए हैं कि क्या है तीर्थधाम और आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ, तीर्थ यात्रा करने से साधक को क्या क्या लाभ मिलते हैं, तीर्थ यात्रा शास्त्र अनुकूल है या विरुद्ध है, और बात करेंगे कि संत भाषा में चित्त शुद्ध तीर्थ किसे कहा गया है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है तीर्थ व धाम। तीर्थ धाम वे पवित्र स्थान है जहाँ पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था या निर्वाण, जहाँ या तो किसी साधक ने साधना की थी या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन। संक्षिप्त में कहे तो तीर्थ धाम किसी ऋषि मुनि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें मात्र है। अब हम आपको कुछ मुख्य तीर्थ स्थलों व धामों के बारे में बताएंगे तथा जानेंगे कि तीर्थ धाम का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ धाम की। अमरनाथ धाम हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग कठिनतम रास्तों से चलकर दर्शन करने पहुँचते हैं। अमरनाथ धाम के बारे में माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती जी को इसी एकांत स्थान पर अमर मंत्र दिया था, यानी पार्वती जी को शिव जी से दीक्षा मिली थी और इसी कारण यह स्थान पार्वती जी के लिए अमर धाम कहलाया। वैसे तो अमरनाथ धाम केवल पार्वती जी के लिए ही महत्वपूर्ण धाम था, परंतु आम जनता आज वहां जाकर अपने आप को धन्य मानती है। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम की। महाभारत में एक कथा वर्णित है कि पांचों पांडव अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे और एक दिन सदाशिव, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, उसने भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। दूध लेने के उद्देश्य से भीम उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया जो पृथ्वी से बाहर रह गया, वह पत्थर का बन गया, जिसके बाद वहां एक धाम बना जिसे केदारनाथ धाम कहा जाने लगा। भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू नेपाल में निकला और पत्थर का बन गया, जिसके बाद में वह पशुपतिनाथ से जाना जाने लगा। फिर उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया जो पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज तक वहां अनेकों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। भैंस के शरीर के अन्य अंग जैसे अगले पैर, पिछले पैर आदि आदि जहाँ जहाँ निकले वहाँ वहाँ पर अन्य केदार बने और ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने हैं। उनको केदार नाम देकर यादगार बनाई गई है। ये सब मंदिर अथवा धाम किसी ना किसी कथा के साक्षी हैं। इसी प्रकार वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी के मंदिरों की भी स्थापना हुई है। जिस समय राजा दक्ष की पुत्री सती पार्वती जी अपने पति भगवान शिव से रूठकर पिता दक्ष के घर चली आई तो राजा दक्ष उस समय यज्ञ करवा रहे थे। बहुत बड़े हवन कुंड में हवन चल रहा था। पिता दक्ष ने घर आई बेटी पार्वती जी का अनादर किया, जिसका दुख मानकर पार्वती जी ने हवन कुंड की अग्नि में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब पता चला तो अपनी पत्नी के वियोग में उसके बचे हुए नर कंकाल को करीबन 10,000 वर्षों तक उठाए फिरते रहे। तब श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव जी का मोह भंग हुआ। सती जी के शरीर के भाग कई अलग अलग जगहों पर गिरे। जहाँ देवी जी का धड़ वाला भाग गिरा वहाँ पर लोगों ने देवी के धड़ को श्रद्धा से दफनाकर ऊपर मंदिर नुमा यादगार बनाई, जिसे वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। और इसी प्रकार जहाँ पार्वती जी की आंखों वाला शरीर का भाग गिरा वहाँ पर उसी तरह से जमीन में दफनाकर नैना देवी मंदिर बना दिया, ताकि घटना का प्रमाण रहे। हिमाचल में कांगड़ा जिले में जहाँ पर सती पार्वती जी की अधजली जीव वाला भाग गिरा वहाँ ज्वाला देवी, और जहाँ नाभि वाला शरीर का भाग गिरा वो अन्नपूर्णा देवी नाम के मंदिर से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ इन्हीं देवी की पूजा शुरू हो गई, और ये सभी स्थल मात्र यादगार हैं। इसी तरह अन्य दर्शन स्थल या धाम जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, मथुरा, वृंदावन, बनारस प्रसिद्ध हुए। अब आपके सामने श्री ब्रह्मा पुराण से कुछ तीर्थों की स्थापना के प्रमाण देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शुक्र तीर्थ की। श्री ब्रह्मा पुराण के अनुसार प्रभु ऋषि के पुत्र शुक्र ने गोमती नदी के उत्तर तट पर, जहाँ भगवान महेश्वरी जी की आराधना
करके विद्या पाई थी वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। श्री ब्रह्मा पुराण के पृष्ठ 172 एवं 73 पर प्रमाण है कि एक दिन राजा पुरुर्वा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को देखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। सरस्वती जी ने हाँ कर दी और सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती जी तथा पुरुर्वा ने अनेकों वर्षों तक संभोग किया। एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उनको विलास करते देख लिया तब अपनी बेटी को श्राप दे दिया, जिसके बाद सरस्वती जी नदी रूप में समा गई और वह स्थान जहाँ पर पुरुर्वा तथा सरस्वती जी ने संभोग किया था वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ पर पुरुर्वा ने महादेव की भक्ति की वह स्थान पुरुर्वा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। और इसी प्रकार गौतम ऋषि द्वारा एक वृद्धा स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने वाले स्थान को वृद्धा संगम तीर्थ तथा महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य ने अपनी पत्नी उषा के साथ गोमती नदी के तट पर घोड़ा व घोड़ी रूप में संभोग किया, जिसके बाद वह स्थान अश्वतीर्थ भानुतीर्थ तथा पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इन तीर्थ व धामों की स्थापना हुई और इनकी स्थापना का उद्देश्य केवल इतना है कि यदि किसी को पुराणों में लिखी घटनाओं पर विश्वास नहीं हो तो देखने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए जाना तो अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब आप विचार करें कि क्या ऐसे स्थानों पर जाने से और स्नान करने से कोई लाभ हो सकता है? यहाँ तो आत्म कल्याण के स्थान पर पतन ही होगा, आत्म उद्धार नहीं। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्ध तीर्थ की। जी हाँ, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यदि कोई है तो वह चित्त शुद्ध तीर्थ ही है। चित्त शुद्ध तीर्थ यानी कि तत्वदर्शी संत का सत्संग, जो कि सर्व तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यदि कोई है तो वह चित्त शुद्ध तीर्थ ही है। चित्त शुद्ध तीर्थ यानी कि तत्वदर्शी संत का सत्संग, जो कि सर्व तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ है। प्रमाण के लिए देवी पुराण छठा स्कंद अध्याय 10 पृष्ठ 417 पर लिखा है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग सुलभ हो जाए तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। मनमाना आचरण हमें सफलता नहीं दिला सकता। तो दर्शकों, 21 ब्रह्मांड में वह तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और जिनका सत्संग सुनने के बाद मन का मैल भी साफ हो जाता है, यानी कि चित्त शुद्ध तीर्थ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वचन ही है। दर्शकों, सत्भक्ति करने वाले साधक की जीवन यात्रा अपने सद्गुरु के पास पहुंचकर ही पूरी होती है। अतः आप भी इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का लाभ उठाएं और अपना जीवन कल्याण करवाएं। अब अंत में कुछ वाणियों के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले रविवार को कुछ ऐसी ही आध्यात्मिक पहेलियों को सुलझाने के लिए। पूजे दे धाम को शीश हिलावे जो, ग्रीवदास साची कहे हद काफिर है सो, कबीर गंगा काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर, कबीर तीरथ कर कर जग मुवा ओटे पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए, कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम।